दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से अमल में लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को सिलवासा के 66 केवी रोड पर स्थित एक प्लास्टिक निर्माण करने वाली कंपनी पर स्वच्छता विभाग ने छापेमारी की, जहां पर 1400 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार कंपनी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियम 2018 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपनियम संशोधन 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। इस प्लास्टिक निर्माण करने वाली कंपनी पर नगर पालिका द्वारा 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नगर पालिका परिषद ने इस कार्रवाई के बाद सिलवासा के नागरिकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त करने में अपना योगदान देने की अपील की है। हालांकि पालिका द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद प्लास्टिक उत्पाद करने वाली कंपनी एवं उनके संचालक के नाम का उल्लेख जारी प्रेस नोट में नहीं किया गया है।